Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. महकमा इत्तलात सिंध में अरबों रुपए की करप्शन का इल्जाम, गिरफ्तार मुल्जिम शर्जील मेमन हथकड़ी लगाकर एहतसाब अदालत में पेश। शर्जील मेमन समेत तमाम मुल्जिमों को 4 नवंबर तक जुडिशियल रिमांड पर जेल भेज दिया। आयशा गुलालई रुकने कौमी असेंबली बरकरार, इलेक्शन कमीशन ने आयशा गुलालई की रुकनियत मंसूख करने से मुतालिक इमरान खान की दरखास्त खारिज कर दी। नियाजी साहब ने मुल्क में हमेशा अनारकी और इंतशार फैलाया, नियाजी साहब सड़कों पर निकले तो हम भी इदारों के एहतराम में निकलेंगे, आयशा गुलालई का ऐलान। आयशा गुलालई के मामले में हम पाताल तक जाएंगे, उनका पीछा करेंगे, उनको ये सीट नहीं दी जा सकती। उनका एक दिन भी असेंबली में रहना तहरीके इंसाफ की खवातीन की हक तलफी है। तहरीके इंसाफ ने आयशा गुलालई से मुतालिक इलेक्शन कमीशन के फैसले को चैलेंज करने का ऐलान कर दिया। फवाद चौधरी कहते हैं इलेक्शन कमीशन पर तहफुजात बढ़ रहे हैं, इलेक्शन कमीशन खुद को मुतनाजा ना बनाए। शफकत महमूद बोले पार्टी टिकट पर मुंतखब शख्स पार्टी कवानीन का पाबंद है, कवायद के खिलाफ बात करने वाला मेंबर कैसे रह सकता है। इलेक्शन कमीशन के फैसलों से जानिबदारी जाहिर हो गई। जहांगीर तरीन और इमरान खान के जवाबात एक शख्स के तैयार करता है, चीफ जस्टिस के जहांगीर तरीन नाअहली केस पर रिमार्क्स, जहांगीर तरीन ने अपना कोई असासा नहीं छुपाया। जहांगीर तरीन का जवाब मैंने तैयार किया था, वकील सिकंदर बशीर के दलाइल, केस की समाअत कल तक मुलतवी। पार्टी छोड़कर जाने वालों को वापस लाना हमारा मिशन है, नवाज शरीफ से मुतालिक आखिरी फैसला आवाम ही करेंगे। मरियम नवाज की एनए 120 में कारकुनों से गुफ्तगू, कहा लाहौर नून लीग का किला था और है और रहेगा। नून लीग में कोई फॉरवर्ड ब्लॉक नहीं, नून लीग आज भी नवाज शरीफ की कयादत में मुत्तहिद है, राणा सनाउल्ला की वजाहत, कहा शेख रशीद, परवेज इलाही और एतजाज अहसन अपने हलके में भी नहीं जीत सकते, परवेज इलाही जैसे लोटों की नून लीग में कोई जगह नहीं। पाकिस्तान in order for them to take action to undermine the support the Taliban receives and other terrorist organizations receive in Pakistan. दहशतगर्दी के खिलाफ जंग और हजारों शहादतें फिर नजरअंदाज, अमरीका ने पाकिस्तान से ताल्लुकात को दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाइयों से मशरूत कर दिया। अमरीकी वजीर खारजा का इस्लामाबाद पहुंचने से कबल फिर डू मोर का मुतालबा, कहते हैं पाकिस्तान को अफगानिस्तान में अमन और मुफाहमत के लिए किरदार अदा करना होगा, खित्ते में अमन पाकिस्तान के मुफाद में है। रेक्स टिलरसन आज अफगानिस्तान से इस्लामाबाद पहुंचेंगे, नई अमरीकी पॉलिसी के तनाजुर में अहम मुलाकातें करेंगे। कराची में खवातीन पर चाकू से हमले की वारदातें रुक गई, वारदातों में कौन मुलव्वस है ताहाल इस नतीजे पर नहीं पहुंच सके। आईजी सिंध एडी ख्वाजा की मीडिया से गुफ्तगू, कहा हमलों की तहकीकात जारी है, पुलिस एहलकार सियासी दबाव में नहीं आएंगे। पुलिस ट्रेनिंग सेंटर रजाकाबाद में पासिंग आउट परेड, एहलकारों का शानदार तरबियत का मुजाहिरा, एहतजाज करने वालों को मुंतशर करने का अमली नमूना भी पेश किया गया। कंदील बलोच कत्ल केस के मुलजिम मुफ्ती अब्दुल कवी का कार्डियोलॉजी सेंटर से डिस्चार्ज, पुलिस इब्तदाई तफ्तीश के बाद पोलिग्राफिक टेस्ट के लिए लाहौर मुंतकिल करेगी।
पेशावर के हल्का NH4 पर जिमनी इंतखाब का मार्का। इंतखाबी मुहिम का आज आखिरी रोज। गहमा गहमी उरूज पर आज न्यूज की हल्का तहलका खुसूसी ट्रांसमिशन। कारकुन अपनी जमातों की कामयाबी के लिए पुरउम्मीद। आज इंसदादे पोलियो मुहिम का आज इंसदादे पोलियो आलमी दिन मनाया जा रहा है। दुनिया भर में पोलियो के मर्ज पर 99% काबू पाया जा चुका, लेकिन पाकिस्तान, नाइजेरिया और अफगानिस्तान से पोलियो का खात्मा ताहाल मुमकिन नहीं हो सका।